हेलो जी, कैसे हो बॉबलू? ना कैसी गुजरी रात नए घर में? सेटो, चलो आ जाओ बाहर। आप भी बाहर आ जाओ। आज अंडा कोई नहीं दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। केज हमारा कंप्लीट हो चुका है और रात के टाइम आपने सही नहीं देखा होगा, अभी आपको सही से दिखा देता हूँ। बॉब लूना ने पहली रात इसमें अपने नए घर में गुजारी है। फिलहाल तो ये ऐसे ही रख दिया था यहाँ पे, अब इसकी जगह कोई फिक्स करेंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ क्या हुआ? ये एक वाइट पैरट सुस्त बैठा हुआ है। क्या हुआ है, है? क्या हुआ, क्यों सुस्त हो, उड़ नहीं पा रहा ये? दोस्तों ये हमारी डव देखें कहाँ बैठी हुई है, ये शायद यहाँ पे अंडा देने वाली है। ऊपर नेस्ट लगा हुआ है ना, वहाँ नेस्ट बनाओ ना, यहाँ क्यों बैठ गई है? ये देखें दोस्तों। हाँ जी फिंचेज, आपका क्या हाल है? ठीक हो? ये क्या है, ये बच्चा मरा हुआ है? ओ नो दोस्तों, एक फिंचेज का, फिंचेज ने आपको पता है कि बच्चे दिए हुए थे उस वाले बॉक्स में, एक बच्चा अभी अभी मैंने देखा है मरा हुआ है यहाँ पे। बहुत सारी चींटियाँ इसके ऊपर हैं। ये क्या हो गया, बहुत दिन बाद हमारे एक पेड़ ने बच्चे निकाले थे इस वाले केज में, लेकिन आज बैड न्यूज ये है कि एक बच्चा मरा हुआ दिखा है मुझे। मैं देख लेता हूँ कि दूसरा बच्चा है, दो बच्चे थे शायद, देख लेता हूँ दूसरा है या वो भी जो है ना वो अंदर एक्सपायर है, पता नहीं क्यों। लेकिन अभी जो है ना वो बाहर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारी चींटियाँ हैं। एक तो हमारा ये लॉस हो गया, एक बच्चा मर चुका है, बाकी एक को देख लेते हैं। दोस्तों अभी शायद दो बच्चे हैं अंदर, मैं सही तरह से देख नहीं पाया, वीडियो में आपको नज़र आया होगा, मैं बाद में वीडियो देख लूँगा। अगर अंदर चींटियाँ वगैरह होंगी तो इसका कुछ बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि चींटियाँ इनके लिए ख़तरनाक है। एक बच्चा तो मर चुका है बेचारा, बाकी तो दो हैं, मुझे लगा था टोटल दो हैं, लेकिन ये तीन थे, अभी शायद दो और हैं। ये अच्छे से केयर कर रही हैं, काफ़ी बड़ा हो चुका था बच्चा, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हुआ कि ये मर चुका है और चींटियां आ गई इसके ऊपर। आ जाओ, आ गए आ गए आ गए दाना खाने। ये इसके काम देखे दोस्तों, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, हाथ लगा रहा हूँ, फिर भी नहीं हट रही। मुझे डर है ये भाग ना जाए। तो दूर हो जाओ, पानी दे दूँ। ये देखे, ये तो बाहर आ जाएगी। ये लो जी पानी आ गया, दाना भी चाहिए। ये नहीं हट रही भाई यहाँ से, ये देखें। क्या हुआ है, उड़ नहीं पा रही हो या क्या बात है? तो अभी दोस्तों हीरो और हीरोइन को बंद कर दें और राजा रानियों को खोल देते हैं। हाँ ये वाला केज है, जाओ अंदर, चलो चलो दोनों चलो। वेरी गुड, अब खोलते हैं राजा और रानियों को। आ जाओ, चले गए सारे। आज लगता है यहाँ भी कोई अंडा नहीं है, देख लेते हैं।
आज कोई अंडा नहीं है, आज रानियां भी सारी छुट्टी पे हैं और हीरोइन भी छुट्टी पे, ना हीरोइन ने अंडा दिया है ना रानियों ने कोई अंडा दिया है। चलो सही है, अंडे तो आते रहते हैं, लेकिन मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा जल्दी हीरोइन के अंडों की है। इसके अंडे आ जाए तो इसको जो ना कुड़क पर बिठाए और बच्चे निकलवाए। माशाल्लाह दोस्तों, सुनी तितर की बोली। माशाल्लाह छोटा सा है लेकिन बोली बहुत प्यारी बोलता है ये। अजीम भाई आ चुके हैं। हाँ भाई क्या कर रहे हो? हाँ यार ये सामान सेट करो फिर काम आएगा। हाँ ये सही करके रखो किसी जगह पे। सेटअप की हालत ख़राब हो गई है, थोड़ी सफाई करें। दोस्तों केज में भी थोड़ा सा काम रहता है, वो ये है यहाँ पे लॉक लगना है क्योंकि दरवाज़ा लॉक नहीं होता। लॉक लगेंगे दोनों दरवाज़ों में। और एक काम करना है, चूना लगाना है दीवारों पे। हाँ चूना लेके आते हैं। चूना लगा लेते हो हाँ चूना लगा लेते हैं दीवारों को या आदमी को? दीवारों को, लोगों को भी आदमी लग तो मर जाएगा। दीवारें वाइट होंगी ना तो ग्रीनरी और ज़्यादा अच्छी लगेगी और सेटअप भी हमारा जो वो ये सामने जो दीवार है ये ख़राब लगती है तो ये भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों कबूतर हमारे सारे के सारे नहाना शुरू हो गए, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा गमले जो है ना पूरे ख़राब कर दिए हैं, लेकिन इनको मैं छोड़ देता हूँ, भले नहाए मज़े करें, इनको मज़ा आता है इसमें, इसलिए इनको छोड़ देता हूँ मैं। आ जाओ माशाल्लाह। आप दीदी को थोड़ा घुमा लेते हैं, इसको बस ये तलब होती है कंधे पे बैठेगा आके, बस ये इसके लिए बहुत है और रात को काटेगा। जाओ तुम्हारे दोस्त ना आ रहे ना, तुम भी जाओ। नहीं जा रहा प्यारा दोस्त। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं सेटअप पूरा साफ़ सुथरा हो गया अंदर से। हाँ दाना जो वहाँ पे गिरा हुआ था, यहाँ जो दाना गिरा हुआ था नीचे, वो पूरा दाना हमने यहाँ छोड़ दिया है। ये अभी तो ये मुर्गे खा रहे हैं, सुबह के टाइम जो है वो प्यारे गेंग आएंगे पूरा वो खा लेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आज की ये बैड न्यूज़ थी कि हमारा एक फिंच का बच्चा मर गया, लेकिन जो नहीं है उसका अफसोस करने से बेहतर है कि जो है उसका हम शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक का शुक्र है जो हमारे पास फिंच के बच्चे बच गए हैं, वो ठीक हों वो बड़े हो जाएं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।